जी। स्पीकर साहब, थ्रू यू आई विश टू आज द मिनिस्टर फॉर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन व्यू ऑफ द अलार्मिंग सिचुएशन इन तेलंगाना नाउ बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन राइस प्रोक्योरमेंट, देर आर लार्ज नंबर ऑफ पैडी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड. नाउ यू सॉ टिल द अदर डे द टीआरएस एमपीज डिड अ ड्रामा हियर एंड वॉकड आउट. Sir, in August, when the Food Corporation of India agreed to procure 40 lakh tons of rice from Telangana, the paddy has come into the market from October. Even till today, the Food Corporation of India has not procured even half the quantity. इन्होंने पूछा है कुपोषण के मामले में इसका क्या इफेक्ट पड़ा है. सर, सर, ही इज टॉकिंग अबाउट, सर, ही इज टॉकिंग अबाउट माल न्यूट्रिशन. आई टॉक अबाउट राइस प्रोक्योरमेंट. सर, आप मैंने राइस प्रोक्योरमेंट सर किया था आप लोगों को. राइस प्रोक्योरमेंट सर. ओके सर, सर, आई विल कंप्लीट सर. थैंक यू माननीय मंत्री जी. वैसे तो प्रश्न का कोई संबंध नहीं है इस विषय से, पर क्योंकि ये गलत प्रचार बार बार करा जाता है, मैं माननीय सांसद को बताना चाहता हूँ के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट अप्रूव किया है तेलंगाना के लिए. लेकिन आप याद रखें कि तेलंगाना डीपीसी स्टेट है, यानी फूड कॉरपोरेशन डायरेक्टली प्रोक्योर नहीं करता है, राज्य सरकार पैडी प्रोक्योर करती है, उसको राइस में कन्वर्ट करती है और फिर वो राइस फूड कॉरपोरेशन को देती है. राज्य सरकार को अभी तक शायद 4 या 5 एक्सटेंशन दे चुके हैं कि वो और ज्यादा हमें राइस दे सके. फिर भी मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतनी बड़ी संख्या में परमिशन देने के बाद भी आज तक जो अलाउ किया है राइस खरीदने के लिए, पारबॉइल राइस खरीदने के लिए, आज तक राज्य सरकार विफल हुई है वो देने के लिए. फिर भी एफसीआई तैयार है, हमने अभी भी उनको एक्सटेंशन दे रखा है. वो जिस स्पीड पे वहां से तेलंगाना से आते हैं उस स्पीड पे ही एफसीआई खरीद सकती है. पैडी प्रोक्योरमेंट राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार नहीं करती है. प्रद्योत परोदोलाई जी.